हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको छोटी मोटी गिरावट फिलहाल देखने के लिए मिल रही है। देख सकते हैं इस गिरावट के साथ स्टॉक जो है 67.24 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद होगा हमने 64 के लेवल को मेजर सपोर्ट के तौर पर डिस्कस किया था, उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता हमको नज़र आ रहा। गिरावट आनी होती तो स्टॉक कहीं भी से भी अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता नज़र आता और गिरावट देखने के लिए मिलती, लेकिन स्टॉक ने गिरावट नहीं दिखाई, यहाँ से अगेन रिकवरी देखने के लिए मिल रही। और टारगेट भी हमने डिस्कस किया था, इमीडिएट टारगेट 68, इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट 70, ऐसा हम डिस्कस कर चुके थे। 68 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया, छोटी मोटी गिरावट, अगेन जंप, अगेन 68 के लेवल पर ही रिजेक्शन, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद इस दफ़ा देख सकते हैं आपने लो को स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया। जहां से पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लेकर गिरावट दिखाई थी और सपोर्ट लिया था, उसी लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। तो आप आईआरबी इंफ्रा की ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है, यहां से आईआरबी इंफ्रा ब्रेकआउट दिखा सकता है और इसमें और हमको तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। नीचे की ओर जो 64 का लेवल है यही इसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। 64 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर वैसी कंडीशन में बड़ी गिरावट और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन चांस बने हुए ब्रेकआउट के आईआरबी इंफ्रा यहाँ से हमको बड़ी तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है। तो स्टॉक देखिए अपने हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है, यानी 68 के आसपास, तो चांस बने 68 के ब्रेकआउट के। तो जैसे ही 68 का ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 70 का लेवल, जो कि आईआरबी के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसका तगड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है, इस लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है लगातार तेज़ी के लिए। अगर स्टॉक आईआरबी इंफ्रा इस बाउंस बैक के साथ 70 के लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो फिर यहां से लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर नेक्स्ट टारगेट 74, इसको ब्रेकआउट करके 80 से लेके 84 तक का जब स्टॉक दिखा सकता है। अब इंतज़ार है हमको 70 के ब्रेकआउट का, 70 के ब्रेकआउट के बाद इसमें हमको बड़ी बाइंग, बड़ा जंप भी देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।